हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी का जन्म 18 दिसंबर 1935 में पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। धर्मेंद्र जी के पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र जी का बॉलीवुड में आने का सफ़र बहुत ही रोचक है। जब धर्मेंद्र जी ने सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी तो वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला कर लिया। सुरैया की फिल्म दिल लगी धर्मेंद्र ने करीब 40 बार देखी और इस फिल्म को देखने के लिए वो घर से मीलों दूर सिनेमा घर तक जाते थे। उस टाइम फिल्म फेयर मैगजीन नए कलाकारों की खोज कर रही थी, जिसमें धर्मेंद्र जी ने भी फॉर्म भरा और धर्मेंद्र जी ने कहीं भी एक्टिंग नहीं सीखी थी। इसके बावजूद भी वो फिल्म फेयर टैलेंट हंट में चुन लिए गए। टैलेंट हंट में चुन लिए जाने के बाद धर्मेंद्र को लगा कि अब वो सफल एक्टर बन जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुंबई आने के बाद उनको फिल्मों में काम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई बार तो उन्होंने चने खाकर बेंच पर सोना भी पड़ा। फिल्मों में काम पाने के लिए धर्मेंद्र जी को कई निर्माताओं के ऑफिसों के चक्कर भी काटने पड़े, जिसके लिए वो मीलों पैदल चलते थे ताकि वो कुछ पैसे बचा सकें। एक बार धर्मेंद्र जी के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे तो वो अपने रूम पार्टनर का पूरा इसबगोल का पैकेट ही खा गए, जिससे उनकी भूख तो मिट गई लेकिन अगले दिन सुबह उनकी हालत ख़राब हो गई, जिस कारण उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। धर्मेंद्र की दमदार बॉडी को देख करके फिल्म निर्माता उनसे कहते थे कि तुम्हें फिल्मों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ किसी अखाड़े में जाओ और कुश्ती करो। लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से धर्मेंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म कुछ खास चली नहीं। उसके बाद धर्मेंद्र को अपनी पहली हिट फिल्म मिल ही गई, जिससे उनका कैरियर आगे बढ़ा। वो फिल्म थी फूल और पत्थर, जिसमें धर्मेंद्र ने शर्टलेस होकर के सबको हैरान कर दिया था। बॉलीवुड फिल्मों में शर्टलेस होकर के अपनी बॉडी दिखाने वाले धर्मेंद्र जी पहले एक्टर बने। उनकी बॉडी देखने लायक थी और उनकी खूबसूरती के तो लोग दीवाने थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने कई एक्शन फिल्मों के अलावा कॉमेडी फिल्म भी की और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। इतनी दौलत और शोहरत पाने के बावजूद भी आज भी धर्मेंद्र में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया। वो अब भी पहले जैसे हैं, अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए। वो अब भी अपने गांव जाते हैं और अपने लोगों की हेल्प करते हैं और गांव में भी खेती भी करते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।